सिंक पल्स सेपरेशन इंटीग्रेटिंग आउटपुट। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी फील्ड होती है, जब हमारी फ्रेम की सेकंड फील्ड खत्म होती है 625th लाइन पे, तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम की फर्स्ट फील्ड स्टार्ट हो जाती है, जो ओल्ड फील्ड होगी। ये सारी जो वर्टिकल रिट्रेसिंग पीरियड होता है वो शो करता है। इसमें देखिए, हमने जैसे कि जब सिंक पल्स सेपरेशन किया था, सिंक पल्स सेपरेशन करने के बाद हमें पल्सेस मिलती हैं, लेकिन जब हम उसको लो पास फिल्टर में से पास करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग आउटपुट आती है, और जब हाई पास फिल्टर में से पास करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएटेड आउटपुट आती है। डिफरेंशिएटेड आउटपुट हम कर चुके हैं, इसमें हम इंटीग्रेटेड आउटपुट करेंगे जो कि लो पास फिल्टर में से पास करने पे आती है। इसमें क्या होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टर यूज किया जाता है। जो कंपेयर करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पल्सेस होती हैं, इसमें क्या देखिए क्या होगा, जो इंटीग्रेटिंग सर्किट है वो लो पास फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर में से पास करने पे आएगा। इसमें ये जो टाइम पीरियड होता है ये 4.7 माइक्रो सेकंड का होगा, ये जो पल्स का टाइम पीरियड होगा ये वाली पल्सेस का। और जो अनदर टाइम पीरियड होता है ये वाला, ये 27.3 माइक्रो सेकंड का होता है। इसमें हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कि वर्टिकल रिट्रेस की लाइंस होती हैं वो शो करती हैं। ऐसे ही जैसे फर्स्ट फील्ड खत्म होती है तो हमारी सेकंड फील्ड स्टार्ट होगी। फर्स्ट फील्ड कहाँ पे खत्म होती है, 313.5 यानी 312.5 पे, आधा, 13 का आधा। तो फर्स्ट फील्ड यहाँ पे खत्म होगी तो उसी फ्रेम की सेकंड फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 14, 15, 16 यानी 314, 315 इस तरह से 625 तक। ये तो हम कर चुके हैं। अगर हम इसकी इंटीग्रेटिंग आउटपुट देखें, जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, देखिए जो हर एक हॉरिजॉन्टल पल्स होती है उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो धीरे से इंक्रीज करती है कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जीरो हो जाती है नेक्स्ट पल्स आने तक। कैसे, कुछ इस तरह से देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी है ये वर्टिकल शो करेगी, जो हमारी वर्टिकल रिट्रेस है ना वो वाली, इसके बाद होगी जो कि नियर अबाउट 2.5 या 3 लाइंस तक की होती है। ये देखिए, ये वाली जो पल्सेस हैं, ये पल्सेस हमारी आ रही हैं इन वेव्स की, जहां से फर्स्ट फील्ड स्टार्ट होगी और लास्ट की खत्म होगी। इसमें देखिए, जब ये वाला पिछला फ्रेम खत्म हो रहा था तो 623 लाइन पे जब राइजिंग एज थी तो करंट क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है ना, लेकिन इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज होने लग जाता है। किस वजह से होता है, ये होता है चार्जिंग की वजह से, कैपेसिटर की चार्जिंग की वजह से। कैपेसिटर का जो चार्ज पीरियड होता है वो 4.7 माइक्रो सेकंड का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पल्स होती है ना 4.7 माइक्रो सेकंड की, इस ड्यूरेशन जब तक ये पॉजिटिव में रहेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा और ये मैक्सिमम पीक पे जाएगा, लेकिन जब ये रिवर्स होएगा तो होगा यानी कि ट्रेलिंग एज जाएगी तो ये फिर से क्या होगा, रिवर्स नीचे जाएगा और जीरो हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ 4.7 माइक्रो सेकंड तक ही चार्ज करता है और उसके बाद वो जीरो रहता है, और तब तक यानी कि 59.3 माइक्रो सेकंड तक वो जीरो रहेगा, यानी डाउन होके जीरो पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये तब तक जीरो रहेगा जब नेक्स्ट पल्स नहीं आती। जब नेक्स्ट पल्स आएगी, नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो फिर से राइज करेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर से राइज करेगा, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इस फील्ड, ये वाली फील्ड खत्म होगी, लास्ट फ्रेम की फील्ड खत्म होती है और नेक्स्ट फ्रेम की स्टार्ट होती है, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो वन से स्टार्ट होगी तो ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये वर्टिकल रिट्रेस लाइन तो ट्रेसिंग नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि ये भी जो ब्लैंकिंग शो करती हैं तो इस टाइम पे ये इंक्रीज करेगा, जब तक वर्टिकल रिट्रेस चल रही है तब तक, यानी इतनी ड्यूरेशन में ये पीक्स प्रोड्यूस होगी, ये इसकी ये वाली पीक, इसके लिए ये वाली पीक, इस तरह से ये पीक्स प्रोड्यूस होंगी। और जैसे ही ये जो थ्री लाइन है जो कंप्लीट नहीं होती, आधी होती है, 2.5 लाइन होती है, उसके बाद वो इन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउन आ जाएगा और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, जब वो ट्रेसिंग का टाइम आएगा फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा।
अब इसमें देखिए, ये तो हो गया हमारा जब फर्स्ट फील्ड स्टार्ट हुई थी इस वेव फॉर्म के लिए। अब नेक्स्ट फील्ड के लिए देखते हैं। नेक्स्ट फील्ड के लिए हमारी वेव फॉर्म्स कुछ इस तरह से आएंगी। देखिए कैसे आई हैं, सेम प्रोसेस वही है। कैपेसिटर चार्ज हुआ इस टाइम पे 4.7 माइक्रोसेकंड के लिए, उसके बाद यहाँ पे चार्ज हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर चार्ज हुआ, फिर जीरो हो गया। लेकिन जब यहाँ पे आया, जो हमारी फर्स्ट फील्ड है 312.5 पे खत्म होती है, 13 लाइन जो कंप्लीट स्कैन नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि 313 इस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद जब वो जीरो होने की कोशिश करेगा तो ये हाफ लाइन बाद ही नेक्स्ट पल्स आ जाएगी जो वर्टिकल की होगी, इसलिए वो जीरो नहीं होगा और जीरो से यहीं से ही राइज हो जाएगा, और राइज होने के बाद पीक्स प्रोड्यूस करेगा, और फिर जब स्कैनिंग खत्म हो जाएगी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर फिर से स्कैनिंग करेगा। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग जो होती है इस तरह से वर्क करता है। देखिए ये जो है ये फर्स्ट फील्ड के बाद शो करता है, यानी कि ये वाली, ये जो चीज है ये वाली शो करेगा, जो ब्लैक कलर की है ये वाली पल्सेस के लिए है, जो रेड कलर की है वो इन पल्सेस को शो कर रहा है सेकंड फील्ड के, आफ्टर सेकंड फील्ड। और अब देखिए ये जो टाइम पीरियड होता है, ये वाला टाइम पीरियड, ये ब्लैक वाला लाइन का ये वाला टाइम पीरियड, इसको टाइम एरर बोलते हैं। देखिए क्योंकि इन ये जो चीज होती है ना, इसमें कोई भी स्कैनिंग नहीं होती, ये ब्लैंक लाइंस होती हैं, रीड इसके साथ ब्लैंकिंग पल्स लगाई जाती हैं, ब्लैंकिंग पल्स सेंड की जाती है, और ब्लैंकिंग पल्स इसलिए सेंड करते हैं ताकि जो रीट्रेस वाला सिग्नल है वो दिखाई ना दे, वो उसको वो फ्रेम पे ना शो हो, ये हमारा टाइम एरर शो करता है। और इसके अलावा ये जो लेवल होता है हमारा, ये वाला लेवल, इस लेवल को ट्रिगर लेवल बोलते हैं, और ये जो पल्सेस हमारे जाते हैं ना, ये ट्रिगर पल्सेस होती हैं, ये वाली, ये जो पीक्स वाली पल्सेस है ये ट्रिगर पल्सेस होती हैं वर्टिकल ऑसिलेटर की, क्योंकि इसमें वर्टिकल रिट्रेसिंग चलती है, वर्टिकल ऑसिलेटर की ट्रिगर पल्सेस इन्हें बोलते हैं। ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल की हो जाती हैं, इसके बाद हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की होंगी, इसे हम इंटीग्रेटिंग आउटपुट बोलते हैं, जो इस तरह के वेवफॉर्म्स में आते हैं। यही है हमारे सिंक पल्स सेपरेशन इंटीग्रेटिंग आउटपुट। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।